हेलो फ्रेंड्स, मैं रंगना और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिसके द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा जो लीवर है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, सिम्टम ऑफ लीवर नॉट डिटॉक्सिंग प्रॉपरली, मतलब कि हमारा जो लीवर होता है जिसको हम लीवर या फिर यकृत भी कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है और इसका सबसे अच्छा काम ये होता है कि लीवर को साफ करने के लिए हमको किसी भी तरह की किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। लीवर अपनी सफाई स्वयं कर लेता है, जो भी उसके टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको वो स्वयं से बाहर निकाल देता है। लेकिन कभी कभी लीवर अच्छे से काम नहीं करता है और जिस वजह से वो खुद को डिटॉक्स नहीं कर पाता है, उसकी जो भी टॉक्सिसिटी है उसको बाहर नहीं निकाल पाता है और फिर इस वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिल जाते हैं। अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, बहुत सारे ऐसे जूस है और बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान भी है जो डाइटिशियन द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसका यूज करके आप आसानी से अपने लीवर को साफ कर सकते हैं, लीवर की जो भी टॉक्सिसिटी है उनको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि क्या सच में हमको उन चीजों की जरूरत है, क्या हमको अपने लीवर को साफ करने की जरूरत है, उसको डिटॉक्सिफायर करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले हमको ये जानने के लिए उसके कुछ लक्षण है जिनको देखना पड़ेगा, तभी हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर हम ये पहचान पाएंगे कि हाँ सच में हमको लीवर को साफ करने की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लक्षण में लिख रखा है डिसकलरेशन ऑफ स्किन, अगर आपकी स्किन का कलर बदल रहा है तो वहां पे आप बिजली समझ सकते हैं। तो अगर हम स्किन के कलर बदलने की बात करें तो अगर कहीं पे आपको ब्लू पैचेस हो रहे हैं तो ये जो ब्लू पैचेस होते हैं, नीले कलर के धब्बे होते हैं, ये लीवर की खराबी की वजह से नहीं होते बल्कि ये शरीर में कुछ विटामिन्स होती हैं उनकी कमी से होते हैं, वो लीवर की खराबी की वजह से नहीं होते हैं। अगर आपकी स्किन नीले रंग के साथ पीलापन लिए हुए है तो फिर ये इस बात का संकेत है कि आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर अगर स्किन का कलर भूरे के साथ कालापन जैसा दिख रहा है तो भी ये बात का संकेत है कि आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर अगर आपकी आंखें पीली दिखे तो वो इस बात का संकेत है कि आपके लीवर से जो बिलिरुबिन होता है जिसको हम पित्त कहते हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसका लेवल कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और इस वजह से ब्लड में भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और ब्लड में बिलिरुबिन का जब लेवल बढ़ता है तो इसी वजह से व्यक्ति को जॉइंटिस की समस्या हो जाती है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है उनका निर्माण नहीं हो पाता है और फिर व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, डिसकलरेशन ऑफ स्किन से, मतलब कि जो त्वचा है स्किन है उसके रंग बदलने से। तो अगर स्किन का रंग बदल रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर आप अपनी डाइट के थ्रू भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप कौन सी ऐसी चीजें लें जिसकी वजह से आपका लीवर अच्छे से काम करने लगे, उसका जो भी खुद को हेल्दी रखने का या फिर खुद को साफ रखने का प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है गैस बनने की समस्या। तो अगर व्यक्ति खाना खा रहा है और खाने का अच्छे से पाचन नहीं हो रहा है तो इस वजह से उसको एसिडिटी की समस्या होगी। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है, लगातार उसको एसिडिटी की समस्या हो रही है तो ये इस बात का संकेत है कि लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, लीवर उनको निकालता है और वो खाने का पाचन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब लीवर ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो एंजाइम को रिलीज कैसे करेगा, तो खाने का पाचन भी अच्छे से नहीं होगा और इस वजह से अधिक मात्रा में एसिडिटी की समस्या व्यक्ति को होती है और इस वजह से व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे सूजने लगता है, शरीर में सूजन इकट्ठा होने लगती है, व्यक्ति को कच्ची डकारें आने लगती हैं, उसे गले में जलन होने लगती है, उसको भूख नहीं लगती है, उसका हमेशा जी मिचलाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे लक्षण उसको देखते हैं तो आप इसलिए समझ सकते हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर आपको बार बार ये समस्या हो रही है कि आपको गैस बन रही है, एसिडिटी की समस्या हो रही है, तो नेक्स्ट क्या है, फटीग। व्यक्ति को हमेशा थकान महसूस होगी, व्यक्ति जो भी चीजें खा रहा है पहली बात तो उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा, जब उसका पाचन अच्छे से नहीं होगा तो जो पोषक तत्व उसके शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, और जब पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो थकावट तो महसूस होगी ही होगी, ये नॉर्मल सा है। अगर आप दो दिन ना खाइए या फिर एक ही दिन अगर आप फास्ट रखिए, व्रत रखिए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि शरीर सुस्त पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को चाहिए भोजन के थ्रू, जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं, और जब वो नहीं मिलेगा तो शरीर को थकावट लगेगी, क्योंकि शरीर को चलने के लिए क्या चाहिए, उसको चलने के लिए प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए और साथ ही उसको बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब हमको खाने से मिलता है। अब इस खाने को हम किस रूप में ले रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, जूस के रूप में ले रहे हैं, खाने के रूप में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं उसके बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि थकावट लग रही है, हमेशा सुस्ती महसूस हो रही है, तो ये भी इस बात का लक्षण है कि व्यक्ति का लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि व्यक्ति का लीवर काम नहीं करेगा तो जो खाना खा रहा है उसका अच्छे से पाचन नहीं होगा, जब पाचन नहीं होगा तो एसिडिटी की समस्या होगी और साथ ही उसके शरीर में बहुत सारे कुपोषण के लक्षण भी दिखने लगेंगे और इस वजह से उसको थकान भी महसूस होगी क्योंकि उसको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट क्या है? डार्क स्टूल कलर। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है जो दिखता है कि व्यक्ति का जो मल होता है वो डार्क कलर का होगा। क्योंकि व्यक्ति का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जो खाना को पचाने का और अवशोषण करने का प्रोसेस होता है, वो हर तरह से डिस्टर्ब हो जाता है लीवर के अच्छे से काम ना करने की वजह से। और इस वजह से व्यक्ति का जो स्टूल होता है, व्यक्ति का जो मल होता है, उसका भी कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो वहां पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है क्योंकि आपका लीवर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, खुद को डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, जो भी अवशिष्ट है उसको निकाल नहीं पा रहा है और इस वजह से समस्या हो रही है। इसके अलावा क्या है? बॉडी पेन। तो व्यक्ति को हमेशा शरीर में दर्द की समस्या भी होगी, उसको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि उसका शरीर बिल्कुल सुस्त पड़ चुका है, पूरे बॉडी में उसको पेन होगा, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि हमने अभी बात की कि शरीर को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है उसको कहां से मिल रही है? खाने से मिल रही है। लेकिन लीवर की वजह से, लीवर के अच्छे काम ना करने की वजह से उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है, उसको एसिडिटी हो रही है, फटी हो रही है, मतलब उसका पाचन नहीं होगा तो उसको गैस की समस्या तो हो ही रही है क्योंकि लीवर में जो एंजाइम सीक्रेट होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो लीवर होता है वो क्या करता है? वो खून को शुद्ध करता है। उसके बाद जितने भी शरीर में हमारे टिश्यू होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, वहां तक वो खून पहुंचता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। लेकिन जब लीवर ही अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो जो ब्लड हमारे मांसपेशियों तक, हमारे मसल्स तक या सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंचने चाहिए ब्लड वेसल्स के द्वारा, वो नहीं पहुंच पाते। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि लीवर अच्छे से काम ना करने की वजह से जो विषाक्त चीजें हैं, जो गंदगी वाली चीजें हैं, वो भी बाहर नहीं निकाल पाता और फिर धीरे धीरे वो ब्लड में ही मिक्स होने लगती हैं। और जब धीरे धीरे विषाक्त चीजें, जो खराब मटेरियल है, वो ब्लड में बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा? ब्लड हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वहां जाता है। तो जब ब्लड जा रहा है और उस ब्लड में अच्छे से ज्यादा खराब चीजें हैं, शुद्ध से ज्यादा अशुद्ध चीजें हैं, तो वो हमारे बॉडी पार्ट को भी मिलेगा, हमारे मसल्स को भी मिलेगा, टिश्यू को भी मिलेगा, सेल्स को भी मिलेगा। तो इस वजह से व्यक्ति को शरीर में दर्द की समस्या होती है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट उसको चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो तो मिल नहीं रहे हैं। उसकी जगह पे सभी उसको टॉक्सिक वाली चीजें मिल रही हैं, सभी खराब चीजें मिल रही हैं। इस वजह से व्यक्ति को हमेशा बॉडी पेन की समस्या रहती है, शरीर में दर्द की समस्या रहती है। इसके अलावा हमने पहले ही पढ़ा है कि क्या हुआ, उसको एसिडिटी की समस्या हो रही है, फटी की समस्या हो रही है। एसिडिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि अच्छे से उसका पाचन नहीं हो रहा है, जो भी लीवर से एंजाइम सीक्रेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उसको एसिडिटी की समस्या हो रही है। उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा नहीं है, चयापचय क्रिया अच्छे से नहीं हो रही है, मतलब पाचन भी नहीं हो रहा है और अवशोषण भी अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो शरीर को नहीं मिल पा रही और इस वजह से शरीर थका थका महसूस होता है। साथ ही जो लीवर है वो खुद को डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बाधित होता है और इस वजह से व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं होती है, साथ ही में उसको बॉडी पेन भी होता है। तो ये जो 5 लक्षण यहाँ पे दिख रहे हैं ये इस बात का संकेत होते हैं कि व्यक्ति का लीवर प्रॉपर खुद को डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जो लीवर की अशुद्ध चीजें हैं उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे लेकिन इस वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।